लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है। वैसे शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ी होती है, लेकिन आंतरिक जो पार्ट होता है वह सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। लीवर किस भाग में होता है? लीवर दाहिने भाग में पेट के ऊपरी भाग में पाया जाता है। लीवर के भाग। मानव शरीर में पाया जाने वाला लीवर त्रिकोणी और दो लोब से बना होता है, जिसमें दाहिना हिस्सा बड़ा और बायां हिस्सा छोटा होता है। यह दोनों लोब एक पतली सी लिगामेंट के द्वारा अलग होते हैं, जिसे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। लीवर का रंग धूसर या चॉकलेटी कलर का होता है। यह लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली के आवरण से सुरक्षित होता है। लीवर की संरचना। लीवर लोब से बना होता है और लोब कई छोटे छोटे लोब्यूल से बना होता है, यानी कि लोब्यूल से मिलकर ही लोब बना होता है और फिर लीवर का निर्माण होता है। और लोब्यूल्स लोब की क्रियात्मक इकाई होती है। लोब्यूल्स को थोड़ा और डिटेल से जानते हैं, यानी कि लोब्यूल्स की सूक्ष्म संरचना। लोब्यूल्स हेक्सागोनल की आकृति का होता है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। सेंट्रल वेन, इसे हिफेटिक वेन भी कहते हैं, ये लोब्यूल्स के बीच उपस्थित होती है, इसलिए इसे सेंट्रल वेन कहते हैं। हिपेटिक आर्टरी, इसमें ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। इसके द्वारा ब्लड साइनोसॉइड में छोड़ दिया जाता है और यहाँ से ब्लड सेंट्रल वेन में चला जाता है, और इस बीच जो ब्लड फ्लो होता है, ऐसे ब्लड फ्लो को सेंट्रिपिटल ब्लड फ्लो कहते हैं। साइनोसॉइड्स, यह पतली ट्यूब होती है, ये सेंट्रल वेन से जुड़ी होती है। साइनोसॉइड्स के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कफर कोशिकाएं कहते हैं। कफर कोशिकाएं रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन या वायरस ब्लड के साथ लीवर में आता है, तो उन वायरस बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कफर कोशिकाएं होती हैं। पोर्टल ट्रायड, सभी लोब्यूल्स के ऊपर 3 नलियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे पोर्टल ट्रायड कहते हैं। वो 3 नलियां इस प्रकार हैं। बाइल डक्ट, यह हरे रंग की पतली ट्यूब होती है। लीवर पित्त रस बनाकर पित्ताशय की थैली में बाइल डक्ट के द्वारा इस रस को भेजता है। पोर्टल वेन, इसमें छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए गए पोषक तत्व पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में आते हैं, यानी अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। हिपेटिक आर्टरी, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त लोब्यूल्स या लीवर में आता है। हेपेटोसाइट्स, सभी लोब्यूल्स बहुत सारी हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हेपेटिक कोशिका की आकृति 20 से 30 माइक्रोमीटर हो सकती है। लीवर के कार्य, संग्रहण या स्टोरेज, लीवर पित्त रस का निर्माण करता है और पित्त रस को पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित करके रखता है। लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है या स्टोर रखता है, और इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। यह वसा को भी कोलेस्ट्रॉल के रूप में संग्रहित करता है या संचित करता है। लीवर कई प्रकार के विटामिन जैसे ADE, B12 को संचित रखता है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि लीवर स्टोरेज का काम करता है, यानी कि बहुत सारे तत्वों को वो संग्रहित करके रखता है, यानी कि अपने पास स्टोर करके रखता है। बाइल जूस प्रोडक्शंस, लीवर में हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पित्त रस या बाइल जूस बनाती हैं। ब्लड क्लोटिंग, रक्त को जमाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है, जो कि लीवर से ही बनता है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस, इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। जब हमारे शरीर में खाने की कमी होती है, तो लीवर ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज हमारे शरीर में मिल जाता है। लाइपोजेनेसिस, जब हम ग्लूकोज और प्रोटीन अधिक मात्रा में ले लेते हैं, तो लीवर ग्लूकोज और प्रोटीन को वसा या फैट में बदल देता है। इसी प्रक्रिया को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस, जब पोर्टल वेन से रक्त के द्वारा कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया या वायरस लीवर में आता है, तो साइनोसॉइड में जो कफर सेल पाई जाती हैं, इन सभी वायरस इन्फेक्शन बैक्टीरिया को खा जाती है या खत्म कर देती है, जिसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यही कोशिकाएं लीवर की रक्षा करती है, या यूं कहें इसी से लीवर की रक्षा होती है। डिमिनेशन, लीवर प्रोटीन में से अमीनो ग्रुप को तोड़ता है। अमीनो ग्रुप टूटकर अमोनिया में बदल जाते हैं, जो किडनी के द्वारा यूरिया के रूप में बाहर निकल जाता है। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RBC, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस समय बच्चे में बोन मैरो नहीं बना होता है, तब उस समय रक्त कोशिकाओं का निर्माण लीवर में ही होता है, जिसे फॉर्मेशन कहते हैं। जब रक्त कोशिकाओं का जीवन काल पूरा हो जाता है, तब ये लीवर के अंदर टूट जाती है, या यूं कहें कि लीवर रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान होता है, यानी कि रक्त कोशिकाएं लीवर में प्लीहा में आकर ही नष्ट होती हैं, और फिर लीवर इन्हें बिलिरुबिन में बदल देता है, और फिर बिलिरुबिन को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RBC कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर।